दोस्तों, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके ढेर सारा नाम, सम्मान व धन कमाए। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सफल विद्यार्थी में 5 गुण होना अत्यंत जरूरी हो जाता है। ये गुण कौन से हैं? ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी देख लीजिए कि आपके पास ये गुण है या नहीं। अगर नहीं तो आप भी इनके इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने अंदर इन गुणों को डेवलप करने की प्रयास करें। चाणक्य बताते हैं कि काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, अल्पहारी और गृहत्यागी। यहां पर पहली बात है काकचेष्टा। काक का अर्थ है कौवा यानी कि क्रो, चेष्टा यानी कि एफर्ट्स। दोस्तों, आप सभी ने कौवे की वो कहानी तो सुनी ही होगी कि किस तरह एक कौवा बर्तन में कंकड़ भर भर के उसका वाटर लेवल बढ़ा देता है। इससे दो बातें हमें सीखनी चाहिए, वो है क्रिएटिविटी और दूसरा कंटिन्यूअस एफर्ट। एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए अपने अंदर ये दो गुण डेवलप करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। हर विद्यार्थी को अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए और कभी भी अपने जिज्ञासा को कम नहीं होने देना चाहिए। बको ध्यानम। दोस्तों, बको मतलब बगुला और ध्यानम का मतलब होता है ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन। आप लोगों ने बगुले को तो देखा ही होगा। बगुला सिर्फ मछली पर ही ध्यान केंद्रित करके घंटों तक एक जगह पे बैठा रहता है और जैसे ही मछली दिखाई देती है वो बिजली की रफ्तार से मछली को पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाए रहना चाहिए। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है पढ़ना। विद्यार्थी को पढ़ाई से ध्यान नहीं हटने देना चाहिए। आजकल तो ध्यान ऐसी हो गई है कि हम जैसे ही पढ़ रहे होते हैं तो मोबाइल बजी और हम मोबाइल उठा लेते हैं और नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य यानी गोल पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना चाहिए। नंबर 3 पर है स्वान निद्रा। स्वान का मतलब होता है कुत्ता और निद्रा यानी कि नींद। स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ता कभी भी नींद के कंट्रोल पर नहीं होता, जरा सी आहट होने से भी वो जाग जाता है। विद्यार्थी के लिए भी 6 या 7 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। विद्यार्थियों को समय से ज्यादा नहीं सोनी चाहिए। कुत्ते को पता होता है कि कब सोना है, कितना सोना है और कब उठना है। उसे अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं होती है। विद्यार्थियों को भी अपनी नींद पर कंट्रोल रखनी चाहिए। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाना। विद्यार्थियों को कम खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाने से मोटापा, आलस और सुस्ती आ जाती है, जिसके कारण विद्यार्थी अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाते। जब एक विद्यार्थी ज्यादा खा लेता है तो होता क्या है कि उसे नींद आ जाती है तो वो नहीं पढ़ पाता। मतलब एक विद्यार्थी को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थियों को हेल्दी फूड खाना चाहिए। इससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, गृहत्यागी का मतलब होता है घर को त्यागने वाला। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अपने घर के सुखद एवं आरामदायक जगह से दूर जाकर करें तो उनके सफल होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अगर आपको घर से दूर जाकर भी पढ़ाई करनी पड़े तो आपको थोड़ी सी भी संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर से दूर रहकर ही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को ज्यादा समय दे पाते हैं। घर के सुख सुविधा के कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वे अपना ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल इत्यादि में व्यर्थ गवा देते हैं। अगर घर पर रहकर भी पढ़ना हो तो एकांत पर ही पढ़ना चाहिए। तो ये थे वो 5 लक्षण जो हर विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए सफल बनने के लिए। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता।